प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा ने इन दिनों मोर्चा खोल रखा है। अब सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। इसकी शुरुआत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को दशहरा मैदान से 51 रथों को रवानगी देकर करेंगे। इसके बाद नड्डा की बड़ी सभा होगी जिसमें 10,000 लोग हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के तहत 2 दिसंबर को प्रत्येक जिले से रथ रवाना होंगे जिसमें प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। 3 और 4 दिसंबर को राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं में रथ रवाना किए जाएंगे। इस जन आक्रोश यात्रा के दौरान भाजपा के केंद्रीय नेता, प्रदेश के वरिष्ठ नेता, राजस्थान के सभी सांसद, विधायक व प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। रथ यात्रा के दौरान अनेकों स्थान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता गांव में रात्रि के समय चौपाल कर रात्रि विश्राम उसी गांव में करेंगे। 14 से 20 दिसंबर हर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा के दौरान होने वाली जनसभाओं में 5,000 की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की 4 साल की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कल से भाजपा जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के लिए जेपी नड्डा खुद जयपुर आ रहे हैं और वो 51 रथों को यहाँ से रवाना करेंगे जो पूरे प्रदेश भर की 200 विधानसभा क्षेत्रों में घूमकर सरकार के जो जन विरोधी नीतियाँ उनके खिलाफ जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये वो रथ हैं जिनमें लाउडस्पीकर लगाए गए हैं और जन आक्रोश यात्रा के पोस्टर भी लगाए गए हैं। ये वो रथ हैं जो यहाँ से रवाना होंगे 11 बजे। इनको यहाँ से जेपी नड्डा रवाना करेंगे। इसके बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा की तैयारियों का आप देख सकते हैं कि 10,000 लोगों को यहाँ बुलाने का लक्ष्य रखा गया है। कुर्सियाँ लगाई गई हैं, अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है ताकि नेताओं को अलग अलग बैठाया जा सके। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा मंच बनाया गया है। इस मंच पर भी जितने बड़े नेता हैं उन सबको जगह दी जाएगी और यात्रा की जन आक्रोश यात्रा को लेकर जो तैयारियाँ उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो इस समय यात्रा की तैयारियों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि जेपी नड्डा आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जयपुर आना बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार अपने 4 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है और बीजेपी जन आक्रोश के जरिए ये बताना चाह रही है कि 4 साल का जो शासन है वो फेल रहा है। हमारे साथ कुछ नेता भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जुड़ना चाहेंगे। हमारे साथ डिप्टी मेयर नगर निगम ग्रेटर पुनीत कर्नावट जी साथ हैं। पुनीत कर्नावट जी से बात करें, कर्नावट जी क्या तैयारियां हैं और सरकार के खिलाफ किस तरह मैदान में उतरेंगे? पूरे राजस्थान में जन आक्रोश है। कल जन आक्रोश की अभिव्यक्ति के लिए, जन आक्रोश यात्रा की शुभारंभ करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा साहब यहाँ पधार रहे हैं और जयपुर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे और यहाँ से फिर जब रथ यात्रा को रवाना कर देंगे तो उसके बाद 200 विधानसभाओं के अंदर अगले 10 दिन तक लगातार जन आक्रोश यात्राएं चलेंगी और जन आक्रोश यात्रा वास्तव में 4 साल के कुशासन के खिलाफ जनता की अभिव्यक्ति की आवाज़ है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की यात्रा नहीं है, ये राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता की आवाज़ को एक प्लेटफॉर्म देने का कार्य हमारी पार्टी ने किया है और मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि आने वाले 20 दिनों में किस प्रकार पूरे राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार के कुशासन के कारण, उनके अपराधों के बढ़ने के कारण, माफिया राज के कारण, भ्रष्टाचार के कारण जिस प्रकार का आक्रोश आमजन में उत्पन्न हुआ हुआ है वो साफ नजर आएगा। भारत जोड़ो यात्रा भी राजस्थान आ रही है, कांग्रेस तो जोड़ लें पहले। कांग्रेस जोड़ने के लिए झूठे सच्चे वादे करने पड़ते हैं, धमकी देनी पड़ती है, हाथ उठवाने पड़ते हैं। तो बिल्कुल यहाँ कल यात्रा को रवाना किया जाएगा, जन आक्रोश यात्रा के रथों को रवाना किया जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा इन रथों के जरिए किस तरह से कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश में माहौल तैयार कर पाती है। पत्रिका के लिए उमेश शर्मा, जयपुर।